पहला हादसा हुआ, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुसी। हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं और बस में 80 से भी 90 के आसपास यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सावद थाना क्षेत्र के दुगावा के पास यह हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सेगांव चौकी इलाके में पुलिस में स्कूली बच्चों से भरी वाहन पलट गया और हादसे में 4 बच्चों को चोटें आई है। तो सेगांव के तिरी फाटे के पास यह हादसा हुआ। ये दो तस्वीर है, खरगोन में 2 सड़क हादसे हुए। यूपी वाले को बुलाओ, कहाँ है यूपी वाले। तो खरगोन में क्या हुआ ये आपको बता देते हैं। खरगोन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर झाड़ियों में घुस गई। हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं और बस में 80 से 90 यात्री, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कसरावत थाना क्षेत्र के दुगावा के पास ये हादसा हुआ है। शशिकांत शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशिकांत, फिलहाल क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर और क्या कैसे हुआ यह हादसा, इसकी क्या जानकारी मिल पाई? जी मैं बता दूं, आज खरगोन जिले में दो स्थानों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली घटना खरगोन जिले के कसरा थाना क्षेत्र के दोगावों के पास घटी है, जहां बकावा से इंदौर जा रही एक निजी यात्री बस दोगावों के पास अचानक अनियंत्रित होकर सीधी झाड़ियों में जा घुसी। बस में सवार घायल यात्रियों के मुताबिक, घायलों का कहना है कि यह जो है बस का चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा, इस दौरान तभी अचानक जो है झाड़ियों के पास अनियंत्रित होकर यह बस पलटी खा गई। बस में करीब 80 से 90 सवारी इसमें मौजूद थी। वहीं इसमें करीब 20 से 25 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए कसरावत अस्पताल ले जाया गया, जहां जो बच्चों को उपचार किया जा रहा। वहीं दूसरी घटना खरगोन जिले के सेगांव के पास तीरी फाटे पर देखने को मिली, जहां एक स्कूली वैन जो है पलटी खा गई पुलिया से, इसमें 4 बच्चों को इसमें चोटें आई है। वो तो बड़ा हादसा होते होते बच गया, वरना एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, जिसके बाद में दोनों घटनाओं की पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शशिकांत इस जानकारी के लिए। 2 बड़े हादसे शशिकांत बता रहे जिस तरीके से यहाँ पर हुए हैं। हादसे का कहर बेकाबू, रफ्तार का कहर यहाँ देखने को मिला। कसरावत थाना क्षेत्र के दोगावा के पास यह हादसा हुआ।